अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी मोइन खान के बेकरी पर बुलडोजर कार्रवाई हो गई है। जिला प्रशासन ने उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला दिया है। इस मामले में योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरोपी मोइन खान की बेकरी पर छापा मारा था। अधिकारियों ने बेकरी में बन रहे सामानों को जब्त कर इसे जांच के लिए भेज दिया है। वहीं बेकरी को सील कर दिया गया है। बच्ची के साथ इसी बेकरी में उस पर गैंगरेप करने का आरोप लगा था। मालूम हो कि महिला सुरक्षा को लेकर यूपी की योगी सरकार काफी गंभीर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में सपा नेता मोइन खान का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि अब तक सपा इस नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। योगी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी के इस भरोसे के बाद से ही मोइन खान पर कार्रवाई शुरू हो गई। आगे उसकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। वही इस मामले में थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रत्न शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं SDM सुहावर राजस्व कर्मियों के साथ आरोपी सपा नेता मोइन खान के घर पहुंचे हैं। आरोपी सपा नेता की जमीन जायदाद की पैमाइश शुरू हो गई है। पीड़िता की मां ने बताया कि सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आरोपी सपा नेता की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और अवैध संपत्तियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। बच्ची से मिला हूं, परिवारजनों से मिला हूं और उनको ढाढ़स बधाने के साथ साथ यह आश्वस्त किया है कि सरकार इस मामले में सख्त है और पूरी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ किया जाएगा। जो दरिंदे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की लोगों के ऊपर, इसके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बात जाहिर है कि उसमें जो लोग इस घटना में जिन लोगों के हाथ हैं उसमें से कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी रहे हैं और उनका संरक्षण प्राप्त है। तो इस नाते समाजवादी पार्टी इस पर चुप है, मौन है। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बहुत साफ और स्पष्ट रूप से सारे तथ्य को वहाँ पर रख दिए हैं और सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मुलाकात करने में भावुक होकर के उस पल को, स्वाभाविक है, भावुकता का पल है कि इस तरीके से एक नाबालिग अति पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना किया जाना, ये किसी भी तरीके से सम्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तेज नारायण पांडे का आरोप है कि भाजपा सरकार जात को देखकर के कार्रवाई कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो तथ्य जो लड़की ने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं और जो चीजें तथ्य प्रकाश में आई हैं उसमें साफ ये सिद्ध है कि किन लोगों का हाथ है। मालूम हो कि अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में घटी शर्मनाक घटना में सपा नेता मोइन खान और उसके नौकर पर पिछड़े वर्ग की 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। आरोपी मोइन खान फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।